सब लोग रेडी हो? ठीक है, ये ओपन हो गया है, आप लोग देखिए रहे हैं कि ओपन हो गया है। ठीक है, डेटा में हम वैलिडेशन चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, चलिए जी, तो वैलिडेशन चैप्टर पढ़ रहे थे तो यह है डेटा वैलिडेशन, सारा वैलिडेशन हो ही गया था। कस्टम वैलिडेशन हमें थोड़ा कुछ करना था। ठीक है, अच्छा उसके पहले आपको याद होगा शायद कि जब मैं यहाँ आके लिस्ट वैलिडेशन कर रहा था मल्टीपल सीट में, ठीक है, मतलब डिफरेंट सीट से, तो ई एम एस ऑफिस जो है 3-5 बतिया रहा था। ठीक है, तो जब ये 3-5 बतिया रहा था तो मैं भी सोचा कि ऐसा क्या जुगाड़ा लगाऊं ताकि मेरा काम चल जाए। ठीक है, तो आप लोग को याद होगा मैं बताया था कि अगर बहुत बड़ा टेबल हो तो क्या करो, यहाँ पे आके इसका नाम लिख दो कुछ। ठीक है, या फिर यहाँ पे नेम मैनेजर में आके कुछ नाम लिख दो, ऐसे कुछ बताया था ना। तो मेरे को थोड़े देर में याद आया कि बस नाम लिख देते हैं वैसे ही हम लोग भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड सीट पे मैं आता हूँ, यहाँ पे भी लिखता हूँ वैसे ही डी सी ए, क्या लिख रहा हूँ, डी सी ए, बी सी ए, एम सी ए, एम बी ए, इतना ही लिखता हूँ, ज़्यादा लिखे कोई फ़ायदा नहीं है, कौन सा इतना सारा। और यहाँ पे आऊँगा मैं फॉर्मूला में, नेम मैनेजर में। ठीक है, यहाँ से भी आप नाम लिख सकते थे, और इसको मैं क्या कर दूँगा, सी ओ यू आर एस ई, कोर्स हो गया। अब यहाँ पे मैं लिखा हूँ दिस वर्क बुक है। ठीक है, अगर सीट सेलेक्टेड होता तो सीट में होता, वर्क बुक सेलेक्ट करके मैं कर दिया ओके। ठीक, अब कर देता हूँ क्लोज। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, अब यहाँ पे मैं आऊँगा, इक्वल टू का साइन दूंगा इसमें, नहीं नहीं यहाँ पे नहीं दूंगा इक्वल टू का साइन, डेटा में आऊँगा। ठीक है, और फिर करूँगा वैलिडेशन। ठीक है, और करूँगा लिस्ट वैलिडेशन। ठीक है, अब ये सोर्स पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं इक्वल टू का साइन दूंगा और क्या दे दूंगा, सी ओ यू आर एस ई, कोर्स, कर दिया ओके। ठीक, अब ये जो है यहाँ पे आ गया। ठीक है, 2007 में आप इसी तरह से करोगे। ठीक है, 2010 है ना, 2010 इन सारे सीट में जाने का आपको परमिशन देता है। ठीक, तो 2010 में आप जाके कर लिया करोगे। ठीक है, यकीन है या प्रमाण का जरूरत है? ठीक है, मैं इंस्टॉल करता हूँ एमएस ऑफिस 2010। ठीक है, और आपको भी मैं दिखा देता हूँ, तो ये है एमएस ऑफिस 10। ठीक है, इस पे मैं डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लूँगा इसको। ये बोल रहा है प्लीज वेट वाइल सेटअप प्रिपेयर द नेसेसरी फाइल, बोलो कर ले जो करना है, हमको तो इंस्टॉल होने से मतलब है, तुम फाइल को एक्सट्रैक्ट करो ना करो हमको क्या उससे लेना देना। ठीक है, ये होने लगा है, थोड़े देर इसको रोकते हैं। ई एक्स सी एल आ गया। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, डोंट मेक इट चेंज ओनली अपडेट यूजर रिकमेंडेड सेटिंग, डोंट मेक चेंज, मेरा जैसा है वैसे चेंज रहने दो, तुम चेंज वेंज कुछ मत करो। डेटा में आ जाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आऊंगा डेटा वैलिडेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दिया, फिर वही डी सी ए, बी सी ए, एम सी ए। ठीक है, अब मैं आ जाऊंगा, इन सबको सेलेक्ट कर लूँगा ऐसे, लेकिन पहले मेरे को वैलिडेशन यहाँ पे करना है ना, तो यहाँ पे आऊँगा वैलिडेशन पे क्लिक करूँगा और फिर आऊँगा यहाँ पे, यहाँ पे आऊँगा। ठीक है, सोर्स मांग रहा है, अब मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, 2010 के अकॉर्डिंग। ठीक है, आ गया ओके कर दूँगा तो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 2007 में जो है वो वैसे आप कर लेना, 2010 में ऐसे कर लेना, हायर वर्जन में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा आपको। ठीक है जी, तो इस तरह से आप जो है बदलाव कर सकते हो जाएगा बड़ा आसान काम। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ कॉलम्स वगैरह लिखता हूँ, नेम, फिर सी ओ यू आर एस ई, कोर्स। ठीक है, और उसके बाद जो है कोर्स का स्पेलिंग सही है, कोर्स होना चाहिए ऐसे ना, कोर्स, इसके बाद फीस,
ठीक है, उसके बाद क्या पिन कोड भी ले लूँ? PIN CODE। उसके बाद मोबाइल नंबर भी ले लूँ? MOBILE। मोबाइल नंबर ले लूँ, आधार नंबर भी ले लूँ? आधार _NUMBER। आधार नंबर भी ले लिया, उसके बाद क्या ले लूँ? EMAIL। ईमेल भी ले लेता हूँ, इतना काफ़ी है लेने के लिए, काफ़ी है ना? चलिए जी, इतना काफ़ी है तो ठीक है। ऑल कमांड, मैं इसमें कुछ खोजना चाह रहा हूँ, खोजने में हल्का सा टाइम लगेगा, इसलिए ना मैं इसको रोक लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो इतना संघर्ष मैं किया तब ये आ गया। इसको मैं कर दूंगा ऐड, ठीक। अब इसको कर दूंगा ओके, ठीक ठीक ना। इसको सेलेक्ट करूंगा ऐसे, फिर इस पर कर दूंगा क्लिक, ठीक है। अब खुल गया ऐसा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, नाम में लिख दूंगा SEMANT, कोर्स में लिख दूंगा मैं PhD किया हूं जी, सीरियस मत ले लेना, मैं मजाक कर रहा हूं। PhD, तब न लगा कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। फीस में कर देता हूँ 1,00,000 रुपया, इकाई दाई सकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,00,000 में हो जाएगा, 10,00,000 कर देता हूँ यार। पिन कोड पूछ रहा है 4972225। अरे नमस्ते सर, मैं करता हूँ, मैं मोबाइल नंबर में डाल दूंगा मैं 1234567890, ये मेरा है नहीं, फोन मत करना। आधार नंबर में भी डाल दूंगा 1234567891012, ठीक है। टैप मारूंगा, ईमेल में भी डाल दूंगा SEMANTMISHRA@gmail.com, ये सही है, इस पर मेल भी मत करना, लेकिन मैं पढ़ूंगा नहीं। इतना करने के बाद मैं दबाऊंगा एंटर, फॉर्म भरा जाएगा एक ठो, यहाँ पे भरा गया ना। फिर मैं यहाँ पे नाम डालूंगा अमित, कोर्स में कर दूंगा MCA, फीस में कर दूंगा जी इतना, ठीक है। पिन कोड में कर दूंगा 1234567895, मोबाइल नंबर में कर दूंगा 1234567890, आधार नंबर में भी वैसे ही कर दूंगा, ठीक है। ईमेल में भी कर दूंगा कुछ भी। अब मार दूंगा मैं एंटर, तो फिर से डेटा ऐड हो गया, ठीक है। तो आप ये फॉर्म बना लोगे, बड़ा आसान काम है, कॉलम को सेलेक्ट करने का इस तरह से, ठीक। हेडिंग को आप सेलेक्ट कर लेना, मैं सारा सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे जाना, ठीक है, मोर कमांड, फिर यहाँ से चले जाना आप। मैं उतना लंबा चौड़ा किया, ठीक है, खोजा मैं एक एक ठो, ठीक है। आपको उतना करने का जरूरत नहीं है जी, फॉर्मूला में जाइएगा, शायद फॉर्मूला में ही वो होता है क्या, तो लेकिन मालूम नहीं है किस में होता है वो, मेरे को भूल गया हूँ मैं, ठीक है। आल कमांड में जाना, ठीक है, एफ वाला जब शुरू होगा तो देख लेना, ठीक है। एफ अल्फाबेट आ जाए, फुटर, फॉर्मेट, फॉर्म इधर कहीं मिल जाएगा आपको, ये देख लीजिए फॉर्म मिल गया ना, इसी में क्लिक करिएगा, ऐड कर दीजिएगा तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। और जब ऐड होगा तो यहाँ पे दिखाई देने लगेगा फॉर्म, और फिर इस पर क्लिक करके करेंगे तो आ जाएगा ऐसा, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, और प्रीवियस करेंगे तो फिर ये आएगा रिकॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे डिलीट करना है मेरे को पहला रिकॉर्ड, डिलीट मार दिया मैं, हो गया ना डिलीट, ऐसे आप कर लिया करोगे, ठीक। सारा मैं डिलीट करूंगा डेटा, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आप, ठीक है। नेम, कस्टम वैलिडेशन फिट करते हैं हम लोग इसमें। नेम में क्या होना चाहिए, गिनती नहीं होना चाहिए जी नेम में, ठीक। क्या करेंगे, हम करेंगे राइट क्लिक, ठीक है, और फिर क्या कर देंगे, राइट क्लिक नहीं करना चाहिए, नहीं करना है, मेरे मुंह से गलती से निकल गया, कस्टम वैलिडेशन, ठीक है। कस्टम वैलिडेशन में आने से पहले मैं कुछ यहाँ पे लिखता हूँ, ऐसा फंक्शन लगाता हूँ एक, यहाँ पे इक्वल टू का साइन दूंगा, इज लिखूंगा, और फिर कर दूंगा टेक्स्ट, ठीक। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप कर दिया, ऐसे करके एंटर कर दिया, तो बोला ट्रू, हाँ ये टेक्स्ट है, ठीक। लेकिन अब मैं इसको क्या करूंगा, नंबर दे दूंगा, एंटर मारूंगा तो बोल देगा फाल्स,
तो फॉल्स मतलब वैलिडेशन फेल हो रहा है और ट्रू मतलब वैलिडेशन पास हो रहा है, तो वैलिडेशन पास होगा तो आप लिख लेंगे, ठीक है। अब आऊंगा कस्टम वैलिडेशन में, ठीक है। फिर यहां पे फॉर्मूला लिखूंगा इक्वल टू का साइन इज टी एक्स टी, ठीक लिख दूंगा और ये दे दूंगा यहां पे, ये हो गया जी, ठीक। अब ये हो गया वैलिडेशन फिट, ठीक हो जाएगा ऐसा आपसे भी। यहां पे नंबर डालूंगा तो ये देखिए नहीं ले रहा है ना, लेकिन इसी में नाम लिखूंगा कुछ भी ले लिया, ठीक। तो ऐसा कर लोगे आप। इसके बाद कोर्स, कोर्स में क्या करोगे आप, ड्रॉप डाउन मेनू बना लोगे जी, ठीक है। ड्रॉप डाउन मेनू यहां पे लिस्ट करूंगा, फिर यहां पे आऊंगा और फिर क्या करूंगा, क्या करूंगा मालूम नहीं, अच्छा डीसीए लिख दूंगा कॉमा बीसीए लिख दूंगा ताकि दूसरा कोई वैल्यू सिलेक्ट ना किया जा सके, तो यहां पे आ गया, ठीक है। फीस है, फीस में खाली पैसे हमको लेना है, रुपए लेना है, तो इसमें मैं डेसिमल कर दूंगा, ठीक है। मिनिमम फीस कितना से होगा, मिनिमम 1000 देके कोई एडमिशन ले लेगा, ठीक है, 00। और मैक्सिमम कितना देगा, 12,500 रुपए है ना, कितना है मेरे को नहीं मालूम है, जो भी हो मैं 10,000 लिख देता हूँ, .00, ठीक। मैक्सिमम फीस 10,000, मिनिमम 1,000, ठीक। कर दिया मैं एंटर, अब 10 रुपए देके कोई एडमिशन नहीं करा पाएगा जी, ठीक। 10,000 उसको देना पड़ेगा, ठीक। पिन कोड, पिन कोड में क्या वैलिडेशन में कर सकता हूं, पिन कोड में मैं ऐसा वैलिडेशन करूंगा कि पिन कोड क्या होता है, 6 अंक का होता है, राइट। तो 6 अंक से ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, ठीक है। तो मैं पिन कोड को रखूंगा 6 अंक का, ठीक है। तो क्या करूंगा जी, 6 अंक में यहां पे दूंगा इक्वल टू COUNT काउंट, काउंट था कि लेंथ था ना, लेंथ था फंक्शन, लेंथ से ही लेंथ निकलेगा, ऐसे करके कर दिया इक्वल टू का साइन दिया, कर दिया 6। अगर ये 6 के बराबर है तो ठीक, नहीं है तो हम नहीं लेंगे। 1 2 3 4 5 6 ले लिया, और वही 1 2 2 अंक दिया तो नहीं ले रहा है, 1 2 3 4 5 6 ठीक है, देखिए ले रहा है ना। मोबाइल नंबर, ठीक। मोबाइल नंबर में क्या चाहिए होता है हमको, हमको मोबाइल नंबर में 10 अंक का चाहिए मोबाइल नंबर, ठीक। और मोबाइल नंबर में क्या होता है जी, क्यू अक्षर नहीं होना चाहिए, शब्द नहीं होना चाहिए, करेक्टर नहीं होना चाहिए, राइट। मतलब ये कि ये टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ये सिर्फ नंबर में ही होना चाहिए, ठीक। तो इसके लिए फंक्शन है शायद, एक तो जहां तक मेरे को याद है इज नंबर, देखता हूँ इज नंबर है क्या, इज, हाँ इज नंबर, हाँ है, तो ठीक इज नंबर होना चाहिए, ठीक है। नंबर देके एंटर मारूंगा तो ये ट्रू आ जाएगा, ठीक है, लेकिन वही मैं कुछ शब्द लिख के एंटर करूंगा तो फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही वैलिडेशन करेंगे जी। आपको मैं पता नहीं एक फंक्शन बता पाया कि नहीं बता पाया, एंड फंक्शन, ठीक। दो ठो फंक्शन होता है, एक एंड होता है, एक और होता है, ठीक है। तो मैं खोलता हूं विन वर्ड, ठीक है। एंड से क्या मतलब है और से क्या मतलब है, ठीक। एंड का हिंदी मीनिंग क्या होता है आप लोग को मालूम है, और, ठीक। और का हिंदी मीनिंग क्या होता है आप लोग को मालूम होगा, या, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल मैं कहां करूंगा, वहां पे मैं करूंगा जहां पे दो कंडीशन लगाना है, ठीक, कि नंबर होना चाहिए और शब्द नहीं होना चाहिए, ठीक, या फिर नंबर होना चाहिए और इतने डिजिट का होना चाहिए, ठीक है। जैसे मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर में क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए नंबर, क्या मैं लिख दिया, चलो कोई नहीं ऐसे कर लूंगा मैं, नंबर होना चाहिए प्लस क्या होना चाहिए, 10 करेक्टर का होना चाहिए, ठीक है। तब यहां पे मैं क्या करूंगा, एंड फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा, और मतलब नंबर हो और 10 अंक का हो तब मैं मानूंगा कि मोबाइल नंबर है ये, ठीक। और का क्या मतलब है, मतलब या से क्या मतलब है,
या का ये मतलब है कि या तो नंबर होना चाहिए या तो 10 कैरेक्टर का होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये है कि एंड के केस में जितने कंडीशन आप दोगे, ठीक है, वो सारा कंडीशन चेक किया जाएगा, सारा कंडीशन जब ट्रू होगा, सारा कंडीशन आप मानेंगे तब आपका काम होगा। एंड के कंडीशन में माने और के कंडीशन में जितने कंडीशन होगा सारा कंडीशन आपको मानना पड़ेगा, ठीक। लेकिन या के केस में क्या होगा, बहुत सारे रूल्स आपको दिया रहेगा। या के केस में होगा कि बहुत सारे रूल में से कोई एक रूल भी अगर आप मानते हैं तो आपका काम होगा, ठीक। तो ये है एंड और या का मतलब, ठीक। या और कुछ कह लो तो ये क्लियर है आपको, नहीं है? इसका इस्तेमाल कैसे होगा मैं बता रहा हूं। एक्सेल में कैसे करोगे आप, मैं इसको कर देता हूं इंग्लिश। एंड दोगे ऐसे और फिर इस ब्रैकेट के अंदर आप कंडीशन अपना लिखते जाओगे और कॉमा से सेपरेट करते जाओगे ऐसे, ठीक। जैसे नंबर मेरे को चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इज एन यू एम बी ई आर नंबर करूंगा, यहां पे सेल एड्रेस दूंगा, कॉमा कर दूंगा, ठीक है, बाहर। और फिर यहां पे दूसरा कंडीशन दूंगा एल ई एन, फिर यहां पे दे दूंगा सेल एड्रेस। देने के बाद क्या करूंगा, ये होना चाहिए जी कितने डिजिट का, 10 डिजिट का, ठीक। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो हम मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे हम, ठीक। अब यहीं पे और अगर लगा देता मैं और, तो या तो एक कंडीशन माना जाता या तो एक कंडीशन माना जाता, ठीक है। तो एंड और ये और, समझ गए आप लोग, नहीं समझे, नहीं समझ में आया? देखिए यहां पे अगर मैं और लिखूंगा तो क्या होगा, या तो नंबर होना चाहिए या तो 10 अक्षर का होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यही यहां पे एंड अगर मैं लिख दूंगा ना ए एन डी, तो क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए और 10 अक्षर का भी होना चाहिए, दोनों कंडीशन माना जाएगा, ठीक, ठीक है। एंड के केस में जितने कंडीशन होंगे सारे कंडीशन आपको मानना पड़ेगा, ठीक। और के केस में मतलब या के केस में क्या होगा कि आपको जितने कंडीशन है उसमें से कोई भी एक मान जाइए तो आपका काम हो जाएगा, ठीक। या मतलब कोई भी एक और मतलब सारे कंडीशन, ठीक है। क्लियर, नहीं क्लियर, फिर भी नहीं समझ में आया? कोड लिख के दिखा दूं, लिखता हूं इसमें, ठीक है। एंड लिखता हूं पहले मैं, एंड लिखा, ठीक है। फिर यहां पे क्या दूंगा मैं, इज नंबर, ठीक है, नंबर ये लिखा, ये दिया, ये दिया, ठीक। कॉमा देता हूं, दूसरा कंडीशन अब क्या है, लेन, ठीक। इसमें मैं लिया, बंद कर दिया, इक्वल टू क्या करूंगा, 10 करूंगा और ब्रैकेट बंद कर दूंगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक ये हो गया पहला कंडीशन। नो, मैं कहां क्लिक कर दिया, फिर से मेरे को लिखना पड़ेगा एल ई एन, येलो, एक बाहर वाला, ठीक है। और यहां से यहां तक, ठीक है, ये दूसरा कंडीशन, ठीक है। ये दो कंडीशन है, यहां पे मैं एक गलती कर किया कि इक्वल टू का साइन देके 10 नहीं लिखा, ठीक। अब करता हूं मैं ओके, ठीक। यहां पे कुछ ये टाइप करके एंटर किया, नहीं ले रहा है जी, कुछ मोबाइल नंबर टाइप करके एंटर करूंगा, नहीं ले रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 अंक का है, 10 अंक टाइप किया तो नहीं लेगा ये, क्यों नहीं लेगा भाई, इसको तो लेना चाहिए, मैं क्या वैलिडेशन में दिया हूं, 10 डिजिट ही दिया हूं ना, हाँ ये तो 10 ही दिया हूं मैं। यहां पे मैं प्लस क्यों किया, कॉमा देना चाहिए था मेरे को, यही गलती किया था क्या मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटर किया, फिर नहीं ले रहा है जी, ले क्यों नहीं रहा, फिर इसको प्रॉब्लम क्या आ रहा है, मैं कुछ गलती किया हूं क्या फॉर्मूला में, एंड 10, किया
एंड को गायब कर देता हूँ मैं अभी, ठीक है, इतने रहने दे रहा हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटर किया, एंटर्ड वैल्यू रिस्ट्रिक्टेड कांट, आखिर क्या इसको रीजन आ रहा है भाई, ये क्यों नहीं हो रहा है, चलिए मैं कैंसिल करता हूँ, इक्वल टू का साइन देता हूँ, यहाँ पे ये लेन लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये लिख देता हूँ, ठीक है, ये देता हूँ इक्वल टू करके 10 करके एंटर करता हूँ, फॉल्स आ गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटर किया तो ये ट्रू हो गया। अब ट्रू कहाँ से होगा, मेरा वैलिडेशन तो इधर लिया ही नहीं, ठीक है, डेटा वैलिडेशन, ठीक है, इसको यहाँ से मैं अभी ख़त्म करता हूँ, पहले एनी वैल्यू कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अब टाइप कुछ कर दिया, ये फॉल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये ट्रू आ गया, ठीक है, यही कंडीशन हमें वहाँ पे लगाना चाहिए, ठीक है, लगा तो यही था जी, फिर भी इसको कुछ समस्या आ रहे थे, फिर से ट्राई करते हैं, ठीक है, हो सकता है कि कुछ हमने गलती किया हो, पेस्ट कर दिया मैं यहाँ पे, ठीक है, कर देता हूँ ओके, ठीक है, नहीं ले रहा है, ये दिया, अब ले लिया, ठीक है, तो हम कुछ गलत कर रहे होंगे वहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटर ले लिया, लेकिन यही एक अंक कम कर दूंगा तो नहीं लेगा, ठीक, अब हम क्या करेंगे जी, बैटरी मेरा लो हो गया, दिमाग खराब, रुकिए मैं चार्जर लेके आता हूँ, 22 यहीं पे था ना मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटर किया, अभी ले रहा है, ठीक है, 10 कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है, अब हम ये लगाते हैं वैलिडेशन की, एक कैरेक्टर भी हो तो वही ना ले, ठीक है, ये था, ठीक है, एक जो अगर अक्षर हो ना तो ये ना ले, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ फिर से, एंड ब्रैकेट बंद, फिर करूँगा इज एन यू एम बी ई आर नंबर, ये लिखूँगा, सेल एड्रेस दे दूँगा, ये करूँगा, कॉमा दे दूँगा, और फिर आखिरी में आकर के एंड का ब्रैकेट बंद कर दूँगा, ठीक, अब करूँगा ओके, ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं ले रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले लिया, ठीक, तो इस तरह से आप इसमें वैलिडेशन लगा दोगे, ठीक है, जो वैलिडेशन इसमें लगा है, ठीक है, सेम वैलिडेशन आधार कार्ड में भी लगा दो आप, ठीक, इसी को कर लो पूरा कॉपी, क्या मजाक है, इसको ऐसे कर लो कॉपी, ठीक है, कर दो इसको बंद, इसमें आ जाओ और कर दो इसी को पेस्ट, ठीक है, आप लोग टाइप कर लेना, मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, और एफ जो है ना, ई जो है ई के जगह पे कर देंगे एफ, ठीक, क्योंकि सेल एड्रेस एफ है इसमें, एफ टू और इसमें एफ टू, ठीक, यहाँ पे 10 के जगह पे क्या कर देंगे 12, ठीक है, हो गया। आप चाहो तो मोबाइल नंबर का थोड़ा कस्टम फॉर्मेटिंग भी कर लो यहाँ से, ठीक है, फॉर्मेटिंग जैसे इसका पहले क्या कर दो ना कि +91, ठीक है, डबल कोट में ऐसे स्पेस देके कर दो हैश, ठीक, हैश मतलब पूरा नंबर आ जाएगा, ठीक है, तो ऐसे कर दोगे तो क्या होगा कि सबके मोबाइल नंबर के पहले +91 अपने आप आ जाएगा, ठीक है, +91 आप लिखे नहीं हो लेकिन ये अपने आप आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ठीक उसी तरह से आधार कार्ड में भी आप कर दोगे कस्टम फॉर्मेटिंग स्पेस स्पेस दे करके, ठीक है, ये देखिए वैल्यू तो यही है लेकिन ये सिर्फ दिख रहा है कि पहले 91 भी है, ठीक है, तो ऐसे कर लोगे।
अब आता है ईमेल एड्रेस, ठीक है। ईमेल में भी कुछ इसी तरह का होगा, ठीक है। एक फंक्शन को पढ़ते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन में लिख दिया अमित, ठीक है। अमित यहाँ पे लिखा हूँ मैं, ठीक है। इक्वल टू का साइन दूंगा नीचे और लिख दूंगा एम ई मैच फंक्शन है एक तो, ठीक है। यहाँ पे ये है लुकअप वैल्यू, ठीक है, कॉमा लुकअप एरे, यही है जी एरे भी, ठीक है। मैच एग्जैक्ट मैच करो जी, ठीक है। ये बंद कर दूंगा, यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू था ना, लुकअप वैल्यू को हटा करके डबल कोट में यहाँ पे कर दूंगा आई, ठीक। एंटर मारा तो वन आ गया, ठीक है। वही आई के जगह पे कुछ ए दे दूंगा तो क्या कर दिया, ऐसा आ गया जी। एन करूंगा वन आ गया, लेकिन आना क्यों चाहिए था, आना तो नहीं चाहिए था ना। ई है फोर है, ठीक है। मैच वैल्यू क्या करता है कि जो आप डेटा दोगे उसमें से मैच करता है वो, ठीक है। जाता हूं इसमें मैच टाइप, एग्जैक्ट मैच मुझे करना चाहिए था, मैं लेस देन किया था, ठीक है। एग्जैक्ट मैच में करके कर दिया इंटर, ठीक है। कैपिटल करो फिर से इन्हें, ऐसा एक क्यों आएगा भाई। पढ़ते हैं इसका, ये जो आ रहा है फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू देन लेस देन आर इक्वल लुकअप देन मस्ट बी अरे प्लेस्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। तो ये ऐसे ही होगा, ठीक है। इसको मैं स्मॉल में कर दे, क्या मैं प्रेस कर दिया, मैं इसको स्मॉल में कर देता हूँ, ठीक है। एम को मैच करता हूँ मैं, फिर यहाँ पे आई को मैच कर लूँ। समय क्यों दे रहा है, इसमें समस्या इसको क्या है, मैं थोड़ा सोचता हूँ थोड़े देर फिर बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। मैंने क्या सोचा था, ठीक है, यहाँ पे पूरा अमित दिया तो ये मैच हुआ है, ठीक है। मैं ये सोचा था कि सभी ईमेल एड्रेस में क्या होता है, एट द रेट का साइन होता है जी, ठीक है। और आगे पीछे कुछ भी हो वो ईमेल हो गया, मतलब ईमेल एड्रेस में एट द रेट का साइन जो है मस्ट होता है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग होता ये कि मैं सिर्फ जो है एट द रेट को मैच करता कोई भी टेक्स्ट में और ईमेल का वैलिडेशन कर देता, ठीक है। फिर मैं सोचा कि कुछ और भी होगा, इसलिए गूगल सर्च किया मैं, ठीक है। तो गूगल सर्च किया तो मेरे को लंबा चौड़ा एक तो फॉर्मूला मिला, ठीक है। वो फॉर्मूला मैं आपको भी बता दे रहा हूँ जी। गायब हो गया क्या वो फॉर्मूला, मोबाइल में ही सर्च कर लेता हूँ, कंप्यूटर में तो इंटरनेट है नहीं। ईमेल, मेरे को टाइम लगेगा खोजने में, तब तक ये चुप रहे, जूम कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो लंबा चौड़ा मेरे को, मैं गूगल किया तो मुझे फॉर्मूला मिला था, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या था जी, मैं आपको भी बता दे रहा हूँ, आप भी जान ही जाओगे, बड़ी आसानी से बड़ा आसान फॉर्मूला है, ठीक है। तो मैं एट द रेट सोचा था कुछ वैसा ही फॉर्मूला इसमें भी है, ठीक है। तो इक्वल टू का साइन दिया, क्या होना चाहिए जी, इज न्यूमेरिक, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शन को बोल दिया, यहाँ पे वन या फिर निगेटिव दिखाता था ना, मैच फंक्शन क्या करता था, मैच होता था तो वन रिटर्न कर दिया था ना, तो हम क्या करेंगे उसको कर देंगे न्यूमेरिक में, ठीक है। तो क्या करेगा, सबसे पहले फंक्शन लगा दिया इज नंबर का, ठीक, इज नंबर, ठीक है। उसके बाद मैच फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा, एम ए टी एच मैच, एम ए टी सी एच होना चाहिए ना, यही तो मैं सोच रहा था कि मैं कुछ गलत लिख रहा हूं। फिर डबल कोट, फिर स्टार, स्टार माने क्या, जैसा कि मैं पहले आपको बोल रहा था कि किसी भी ईमेल एड्रेस में एट द रेट होता है उसके आगे पीछे कुछ भी हो जी, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से आगे पीछे कुछ भी हो, तो आगे इसके एट द रेट के आगे कुछ भी हो फिर एट द रेट होना चाहिए, ठीक है। फिर स्टार,
उसके बाद डॉट भी होना जरूरी ही है, ठीक है, तो इसमें डॉट लगा दिया है, क्वेश्चन मार्क स्टार दे दिया फिर से, ठीक है, मतलब कुछ भी हो, ठीक है, फिर दे दिया जी सेल एड्रेस, ठीक है, कॉमा कर दूंगा मैं, ठीक है, वही मैच फंक्शन का इस्तेमाल ये कर रहा है, ठीक है, और ये दे दिया मैं सेल एड्रेस, फिर कॉमा देके एग्जैक्ट मैच में मैं जीरो दे रहा दिया था, तो ये ले लिया जीरो, ठीक है, चलते हैं जी, ईमेल वैलिडेट हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर से करेंगे हम। ओ यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगेगा, मैं भूल रहा था, ऐसे क्या बोल रहा है, मार प्लस मिसिंग, अच्छा एक तो यहाँ पे ये भी मिसिंग कर दिया हूँ मैं, दिमाग खराब हो गए हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या करूँगा मैं, एंटर मारा, ये बोल रहा है जी गलत वैल्यू दे रहे हो, मैं फिर से लिखूंगा gmail.com, टाइप किया, ये देखिए ईमेल ले लिया, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसका हाइपरलिंक को मैं रिमूव कर देता हूँ पहले, ठीक है, मैं इसी में क्या करूँगा, एट द रेट को हटा करके एंटर करूँगा तो नहीं ले रहा है, देख लो, ठीक है, या फिर क्या करूँगा, डॉट को भी हटा दूंगा तो नहीं लेगा, ठीक, ये देख लीजिए नहीं ले रहा है ना, ये देख लीजिए, एंटर मारूंगा तो अब ले लेगा, तो इस तरह से जी आप कर लोगे ईमेल का वैलिडेशन, ठीक हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, नहीं होगा, फॉर्मूला, अच्छा दिखाऊं, फॉर्मूला तो बहुत आसान है यार, नंबर में कन्वर्ट किया, डेटा वैलिडेशन ये है, ठीक है, मैं डॉट को नहीं, मैं भी यही सोचा था कि एट द रेट आगे पीछे होना चाहिए, बाकी कुछ हो चलिए जाएगा, तो वही एट द रेट इसमें मैच किया है, फिर नंबर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और फिर नंबर में जब कन्वर्ट किया तो ट्रू फॉल्स में आ गया वो, ठीक है, तो यही है जी ईमेल वैलिडेशन, बाकी वैलिडेशन आप जो फॉर्मूला पढ़े हो उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हो कुछ भी, ठीक है, नंबर होगा कि टेक्स्ट होगा तो कितने डिजिट का होगा, कितने डिजिट का नहीं होगा, कितने डिजिट से बड़ा होगा छोटा होगा, ठीक है, यही है और क्या, ठीक है, तो लगभग मुझे लगता है कि डेटा वैलिडेशन जो है इस तरह से जो है आपका लगभग खत्म हो गया, ठीक है, और अगर मुझे कुछ ये बातें याद आ जाता है कि मैं बताना भूल गया तो मैं बता दूंगा फिर, या फिर आपको कुछ मिले मेन्यूज वगैरह या कुछ ऐसा, या कुछ आपको वैलिडेशन या कुछ का जरूरत हो तो पूछ लेना आप, ठीक है, एक चीज और बता दे रहा हूं मैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं क्या किया, डॉट को हटा के एंटर किया, तो ये क्या बोल रहा है, द वैल्यू एंटर्ड, पता नहीं क्या क्या लंबा चौड़ा दे रहा है मैसेज, इस मैसेज को आप बदल सकते हो, कैसे, देखिए इनपुट मैसेज में मैं आऊंगा यहाँ पे और क्या कर दूंगा, यहाँ पे टाइटल दे दो, ठीक है, तो मैं टाइटल दिया ईमेल इन इनकरेक्ट, मैसेज में क्या दे दूंगा, इंटर करेक्ट ईमेल एड्रेस, ठीक, एरर का अलर्ट जो है कैसा अलर्ट देना है वो यहाँ पे देख दे देना, ठीक है, कर दिया मैं ओके जी, ये देख लो आ रहा है ना यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे मैं कर्सर लाऊंगा तो ये बोल रहा है ना इंटर करेक्ट ईमेल करेक्ट बोल इनकरेक्ट बोल रहा है और फिर बोल रहा है इंटर करेक्ट ईमेल एड्रेस, ठीक है, मैं गलत जगह पे इसको दे दिया, यहाँ पे जैसे ही माउस होवर करोगे, ठीक है, तैसे ये आ जाएगा मैसेजेस, ठीक है, डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा, यहाँ पे ईमेल सिर्फ मेरे को रहने देना चाहिए था, ठीक है, इंटर ईमेल एड्रेस ये, ठीक है, कर दूंगा ओके, तो जैसे ही यहाँ पे माउस जाएगा, ठीक है, वैसे ही बताएगा कि ये ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, ठीक है, अब इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आउटलुक मेरा खुल जा रहा है तुरंत, ठीक है, अब इसमें एरर का अगर सेट करना है तो क्या करोगे, यहाँ पे आओगे, स्टॉप के जगह पे स्टॉप है, ठीक है, वार्निंग है, इन्फॉर्मेशन है, वार्निंग में मैं अगर कर दूंगा तो टाइटल में दे दो आप, ठीक है, टाइटल में कुछ भी दे दो आप, ईमेल email, ईमेल, ठीक है, फिर यहाँ पे इनकरेक्ट ईमेल, ठीक है, कर दिया मैं ओके, ठीक, मैं पहले रिमूव करता हूं इसका मैं हाइपरलिंक को, यहाँ पे आऊंगा मैं, ठीक है, यहाँ पे एट द रेट कोटा के एंटर किया, ये देख लीजिए यहाँ पे टाइटल में आ गया ईमेल
और यहाँ पे आ गया इनकरेक्ट ईमेल। ठीक है, अब क्या कंटिन्यू करूं, नो करूं, कैंसिल करूं, हेल्प चाहिए, मैं यस कर दिया तो ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐसा कर दोगे तो क्या होगा, सिर्फ वार्निंग देगा और ये देख लो नो कर दूंगा तो फिर वहीं पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको भी कर सकते हो। अगर वार्निंग दोगे तो खाली वार्निंग वाला अगर सिलेक्ट होगा तो खाली वार्निंग देके छोड़ देगा ये मैसेज देके। अगर इन्फॉर्मेशन करोगे तो ये खाली इन्फॉर्मेशन देगा जी कि आपने कुछ गलत किया है, बाकी फिर ये देखिए बोल रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये कि यार इनकरेक्ट है ये तो ईमेल। ओके कर दोगे तो छोड़ देगा, इसको इग्नोर करेगा। ठीक है, लेकिन वही अगर आप क्या करोगे, एरर को कर दोगे, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप को, तो क्या करेगा, आगे जाने ही नहीं देगा आपको। ठीक है, एट द रेट में डाला, अब आ गया मैं यहाँ पे, रिमूव कर लेता हूँ हाइपरलिंक। अब मैं एट द रेट को अगर हटाऊंगा, ठीक है, तो ये नहीं जाने देगा आपको, अब तो देना ही पड़ेगा। स्टॉप वाला मैं क्लिक कर दिया इसलिए। ठीक है, तो यही है आपका कस्टम वैलिडेशन। किसी को कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो आप पूछ लीजिए, नहीं समस्या हो तो आप प्रैक्टिकल करिए। ठीक है, रिव्यू को देख लेंगे कल, रिव्यू और व्यू कल देख लेंगे इन दोनों को। ठीक है, इससे ज्यादा टाइम बर्बाद करके कोई मतलब नहीं कि आज ही देख लें, कहोगे तो देख लूंगा मैं आज, क्या आज ही देख ले। क्या कह रहे हो, ठीक है, वैलिडेशन को आप प्रैक्टिकल करो आप लोग। ठीक है, रिव्यू को देख लेंगे कल, भर में खत्म कर देंगे। और क्या, रिव्यू में बहुत ज्यादा कुछ इसको रोक लेता हूँ, रिव्यू में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, ये सब है, व्यू में थोड़ा देख लेंगे हम। ठीक है, उसके बाद कुछ अटेंडेंस सीट वगैरह बनाएंगे, एडमिशन वगैरह का, फिर हो जाएगा खत्म। ठीक है भाई, तू बंद हो जाए।